नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। हरिद्वार में मां गंगा किनारे वीआईपी घाट के प्रांगण से शुरू हुई राष्ट्रीय प्रजापति महासभा की संकल्प यात्रा देर रात को मुजफ्फरनगर के कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पहुँची। डीएम ऑफिस से मेरठ होते हुए दिल्ली के लिए प्रस्थान कर गयी। राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दारा सिंह प्रजापति ने बताया कि प्रजापति समाज के राजनीतिक हिस्सेदारी, जातिगत जनगणना, अनुसूचित जाति की आरक्षण की मांग, प्रजापति समाज के उत्पीड़न के समाधान के लिए प्रजापति समाज ने संकल्प यात्रा निकाली है। राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दारा सिंह प्रजापति ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 78 सालों में सरकारों ने समाज को लूटने और खसोटने का काम किया है। कहा कि आज के समय में प्रजापति समाज का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा समाज से कोई विधायक, कोई सांसद नहीं है, जबकि प्रजापति समाज किसी भी राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवार को जिताने में अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने प्रजापति समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई प्रतिनिधि नहीं दिया तो वह निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे। इस संबंध में यात्रा निकाली जा रही है। हमारी हिस्सेदारी, राजनीतिक हिस्सेदारी मांग रहे हैं सरकार से, जिसको वोट दी हमने, जिसको वोट दी हमने 99% लोकसभा और विधानसभा के टिकट मांग रहे हैं हम लोग। क्या लगता है कि कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए? हमारी 4.5% के हिसाब से 30 टिकट बैठते हैं लोकसभा में। कहीं भी ये फैसला कर लें हम तैयार हैं, वरना घरों पर लिखवा देंगे राजनीतिक हिस्सेदारी तो वोट नहीं। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। हलचल इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।